अब भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दिन हम आपको मशहूर पाकिस्तानी बॉलर शोएब अख्तर का वो खुलासा दिखाएंगे जिसमें उन्होंने पूरी बेशर्मी के साथ ये बात कही है कि वर्ष 2006 में खेले गए एक मैच के दौरान वो सचिन तेंदुलकर को अपनी बॉल से घायल करके उनकी जान ले लेना चाहते थे। सबसे पहले आप देखिए कि शोएब अख्तर ने ये कौन सा बयान दिया है। अब आप देखिए शोएब अख्तर तो एक खिलाड़ी हैं और हमारे यहां तो हमने यही सुना है कि खिलाड़ी जो है उनके अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, खिलाड़ियों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, खेल तो दोस्ती को बढ़ाते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बढ़ाते हैं, खेल तो रिश्तों को मजबूत करते हैं। लेकिन शोएब अख्तर के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि चाहे पाकिस्तान के नेता हों, वहां की सेना हो, वहां की ISI हो या फिर वहां के आतंकवादी हो, वो भारतीयों के खून के प्यासे हैं, वो तो भारतीयों का खून बहाना चाहते ही हैं। लेकिन वहां की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी कुछ अलग नहीं है, वो भी मैच के दौरान खेल भावना से नहीं बल्कि पूरी कट्टर दुश्मनी की भावना के साथ हमारे साथ खुलते हैं। कोई खिलाड़ी ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि मैं अपने सामने खेल रही खिलाड़ी के टीम के खिलाड़ी को जान से मार डालूं इतनी तेज और इस मंशा के साथ में बॉल फेंकूं। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे देश में खेल मैत्री की बात होती है और आज भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान खेलने क्यों नहीं गई, क्यों नहीं जाती। कई लोगों ने आज ये कहने की कोशिश की है कि श्रीलंका में जो एशिया कप चल रहा है भारत को असल में बारिश में ये मैच खेलने की बजाय पाकिस्तान ही चले जाना चाहिए था। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के साथ दोस्ती की पैरवी करते हैं और कहते हैं कि खेल को कम से कम राजनीति का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की खेल भावना कैसी है, आज आपको इससे समझ में आ गया होगा। अब भी आप सोचिए शोएब अख्तर ने आज जो बात कही है, ये देखिए उसी समय का आपको एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तब शोएब अख्तर और सचिन तेंदुलकर के बीच जो राइवलरी थी वो सब लोगों ने देखी और लोगों ने यह बात को समझा कि शोएब अख्तर जानबूझकर सचिन तेंदुलकर को निशाना बना रहे हैं और जानबूझकर उन्हें घायल करना चाहते हैं। अभी आपके ऊपर है यह तय करना कि क्या आपको लगता है कि अब भी भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहिए।